कि इस बार 8 तारीख को सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो क्या असर इसका पड़ेगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। आचार्य जी, सबसे पहले हमको सूर्य ग्रहण के बारे में आप बता दीजिए। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा जो 2024 जैसे प्रारंभ हुआ है, तो सबसे पहले तो अभी 25 मार्च को चंद्र ग्रहण लग गया था, और चंद्र ग्रहण जब समाप्त हुआ है तो उसके ठीक कुछ ही समय के अंदर में सूर्य ग्रहण आ गया है, और 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लग रहा है। लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, ये ग्रहण विदेशों में है और देशों में दिखाई देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। और इस ग्रहण का जो अवधि समय है वो 9:12 से शुरू होगा और 1:25 रात्रि समाप्त हो जाएगा। सूर्य ग्रहण दिन का माना गया है, जहाँ पे दिन होता है वहीं पे ये ग्रहण का प्रयोग होता है और वही ये ग्रहण दिखा जाता है, देखा जा सकता है। भारत में ये ग्रहण नहीं देखा जाएगा इसलिए क्योंकि रात के समय ये ग्रहण लग रहा है, लेकिन अपने आप में सूर्य ग्रहण बहुत ही प्रबल ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण के दिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो अपने आप को बचा करके रखें, फिर भी भगवान सूर्य तो एक ही है पूरी दुनिया के अंदर में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कुछ न कुछ इसका असर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, देश दुनिया में जब ये ग्रहण लगता है तो आँख खोल करके इस ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण को, जिसे देखने से आँख में अंधापन आने का संभावना बन जाता है, आँख खराब होने का डर रहता है। और मैं ख़ास तौर पे सूर्य ग्रहण के बारे में ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरे माता और बहन प्रेग्नेंट के समय और बच्चों पे शिशु पे विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो इस समय इस अवधि से चल रहे हो उनको नुकीले चीज कोई है जैसे कैंची चक्कू ऐसे वस्तु को नहीं प्रयोग करें, या कोई भी ऐसे काटने की चीज़ को प्रयोग नहीं करें जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, बच्चे पे किसी भी प्रकार की कोई असर ना पड़े। और ग्रहण का सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो शिशु पे पड़ता है, जानवरों पे पड़ता है, इसलिए इसको अगर हम ध्यान रखते हैं तो ऐसे दिक्कतें नहीं होगी, विशेष तौर पे अपने आप को बचाव करके रखें। चलिए, श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।